गत रोज मोड़ी रात्र शहर बावामानपुरा विस्तार में बनी रहे नवी बिल्डिंग धराशायी थता भारे उत्तेजना व्यापी गई थी। बिल्डिंग में बाड़कों साथ रहता मजूरों रटाई गया था, जो कि फायर ब्रिगेड द्वारा तात्कालिक रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरायू थूँ। पोलिसकर्मी पर तात्कालिक घटनास्थले दौड़ी आया था। अत्र उल्लेखनीय है कि शहर में पहली बार आसपास एलईडी लाइट थी रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरवामां आव्युं हतुं। रात्रि दरमियान कमांड कंट्रोल थी 11:30 ની આસપાસ કોલ મળેલો, જે કોલ મળતા તાત્કાલિક ધોરણે ફાયરનો સ્ટાફ દોડી આવ્યો હતો, અને જેમાં એવું હતું કે 4 લોકો ફસાયેલા છે, તો એમને 4 લોકોને કાઢવામાં આવ્યા હતા અને રેસ્ક્યુ કામ કરેલું હતું, અને હાલમાં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલુ છે। કઈ જગ્યાએ અને શું ઘટના બની? બાવાડા નામનો એરિયો છે, જે એ જગ્યાએ આ બિલ્ડિંગ કોલેપ્સ થઈ હતી એવો કોલ મળેલો કે આ જગ્યાએ આ રીતની ઘટના બનેલી। એ હવે પ્રાથમિક તપાસની વાત છે કે હાલમાં કેટલા વર્ષ જૂની હશે તે પછી ખ્યાલ આવે, ત્યારે કામગીરી ચાલુ। હવે જે લોકો નીકળ્યા હતા એ લોકોને SSG હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, એ લોકોની સારવાર। એ જગ્યા હેગા પાનીગઢ બામનપુરા વિમેદ હોસ્પિટલ કે પાસ કા જગ્યા હે, और यहाँ पे एक नया मकान बना हुआ था, 1 साल होगा। नीचे सर्विस स्टेशन था, ये रात को मोड़े रात को 12 बजे गिर गया ये मकान। तो ये मकान में मजदूर लोग अमुक रहते थे, अमुक गांव चले गए, तो इसमें यहाँ पे 4 बॉडीगार्ड है, डेड बॉडी, उसमें एक बचा हुआ था हॉस्पिटल में, अभी वो जिंदा है या मर गया मालिक को मालूम। कितने जन बिल्डिंग के अंदर थे? बिल्डिंग के अंदर में 4 जन थे। 4 को बचाना है? 4 नहीं बचे, 4 में 3 मर गए, 1 बचा हुआ था। किसकी जवाबदारी? ये जवाबदारी बिल्डर की असकर के है, क्योंकि ये बिल्डिंग इतनी 4 माले की है, 4 पिलर इसका एकदम कमजोर था, और नीचे पानी का काम होता था, गाड़ी धोले ही होती थी, ऑटो रिक्शा मोटरसाइकिल एक्टिवा वगैरह का काम यहाँ होता था, और ये बिल्डिंग बिल्कुल कमजोर ही थी। 4 पिलर में इतनी बड़ी बिल्डिंग कोई बिल्डर बना हुआ नहीं, मकान मालिक को भी कालजी रखना चाहिए। ये निर्दोष इंसान मजदूर का जान गई इनके निष्कालजी से। मेरा नाम अरमान अली इरफान अली शेख।